हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 के अंदर। और आज हमारी जर्नी पहुंच चुकी है पांचवें दिन पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसपे से मोशन के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। आप मोशन के बारे में पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हो, और फिर जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल नजर आता है। और क्योंकि आपको ग्राफ को पढ़ना नहीं आता, क्योंकि आपने ग्राफ को कभी ढंग से समझा नहीं, तो आप उस क्वेश्चन को, इतने आसान से टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हो। तो आज मैं आपको ग्राफ्स के साथ खेलना सिखाऊंगा। और यहां पर जो नॉलेज आप एक्वायर करोगे वो इस चैप्टर में ही नहीं, आगे आने वाली थ्रू आउट पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर आपके काम आने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं कि आखिर में ग्राफ होते क्या है और डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ग्राफ्स की जो शक्ल है वो कैसी होती है। तो आई होप यू विल एंजॉय टुडेज लेक्चर एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले तो देखो, ग्राफ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हर मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है। अब आप पूछोगे सर मैथमेटिकल इक्वेशन किस काम में आती है। मैथमेटिकल इक्वेशन काम में आती है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को दर्शाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि बताओ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के अंदर क्या रिलेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आप बोलोगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिलेट करती है। तो ये तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है किस फॉर्म में हुई, मैथमेटिकल फॉर्म में हुई। आपने एक इक्वेशन दे दी मुझे, इस इक्वेशन से मैं बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ। मैं इसमें डिफरेंट टाइम की वैल्यू डाल सकता हूँ, डिफरेंट एक्सेलरेशन के लिए मैं चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। सो दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग लाइक इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट। अब ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको एग्जैक्टली किसके ऊपर प्लॉट किया जा सकता है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है। और आप ग्राफ से जब वही क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करोगे जो आप इस इक्वेशन से पूछ रहे थे तो आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा। तो ग्राफ इज नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन। लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब जब हम नॉर्मली किसी स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करते तो उनको एक्स वाई जेड और ऐसा कुछ नाम दे दिया करते हैं। फिर फिजिक्स के अंदर अपन उनके स्पेसिफिक नाम भी देखेंगे और ग्राफ तो आप पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर बनाते रहोगे। बट आज के वीडियो को देखने के बाद में आपको ग्राफ शायद फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक लगेगा। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले तो ग्राफ की शुरुआत करते हैं अपन इन दो कॉन्सेप्ट्स के साथ। फिजिक्स में आप बहुत बार, आपको कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं पता होगा बट बहुत बार आपको ये लग जाएगा कि हाँ यार इस फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाने से ये जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है ये या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। इसको अपन बहुत कॉमनली जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से। बहुत बार सुनोगे, जैसे मैंने बोला कि एक रॉड है और इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो आप सबको पता है कि रॉड जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप यूं कह सकते हो कि दिस लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप आप खुद अपने दिमाग के अंदर देख के देखो, राइट। तो फिजिक्स के अंदर बहुत बार यूज करोगे। सो जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी क्वांटिटी इक्वल रेशियो के अंदर इंक्रीज हो जाती है, आपने एक क्वांटिटी को डबल कर दिया तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो भी डबल हो गई, आपने ट्रिपल कर दिया वो भी ट्रिपल हो गई, ऐसे सेम रेशियो को मेंटेन करते हुए अगर इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो नाउ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसको मैथमेटिकली लिखोगे वाई इज सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। सो दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन वाला रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे शो करेंगे, इनडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे शो करेंगे क्वांटिटी को, और हम सीधा सीधा ये कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। जैसे जब x 0 था तो y भी 0 है, जब x 1 हुआ तो y भी 5 हो गया, जब x 2 हुआ y 10 हो गया, जब x 3 हुआ y 15 हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, उन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। सो दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स
दिस पर्टिकुलर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब भी आपको फिजिक्स में दिखाई दे कि दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ जाना कि उनके बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अभी जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी जो स्लोप है वो हर जगह कॉन्स्टेंट रहती है। स्लोप का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का टेन थीटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और इसी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। जब मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है तो हम डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और जब हमें ग्राफ दिया जाता है तो हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। जब ये देंगे तो ये, जब ग्राफ देंगे तो ये, दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है, सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखोगे कि इस पूरी की पूरी लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, इसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि इसकी स्लोप जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो ये तो बात हुई कि इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन की। इसमें एक और बात ध्यान रखना, अभी मैंने जो ग्राफ बनाया है उसमें स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। अगर आप स्लोप नेगेटिव लोगे तो आपका ग्राफ आपको कैसा नजर आएगा, इस तरीके आएगा, स्ट्रेट लाइन ही, बट वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। तो ये जो मैंने ब्लू वाला ग्राफ खींचा है, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन, राइट, बट इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग नेगेटिव स्लोप। इसमें ध्यान रखना, आप वाई यानी कि एक्स को जितना बढ़ा रहे हो, वाई उसी रेशियो के अंदर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ये होता है देयर मैग्नीट्यूड इज स्टिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एक्चुअल में उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो नेगेटिव साइन है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड उतने ही अमाउंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। तो अभी अपन वेलोसिटी के एक्चुअल में अपने मोशन के केस में देखेंगे, बट आई होप दिस इज क्लियर। और दूसरी चीज आप पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर, नॉट पर्टिकुलर रेशियो, किस एक दूसरी क्वांटिटी इनवर्सली, मतलब जैसे आप एक क्वांटिटी को सपोज करो डबल कर दोगे तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ट्रिपल कर दोगे तो वन थर्ड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको रिलेशन दिखाई दे तो इसको अपन बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैं एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा हूँ, एक्स की किसी पावर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है, राइट। तो ऐसे केस में आपका जो कर्व बनता है वाई और एक्स के बीच में वो कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है। जब आप एक्स को जीरो रख दोगे, रख के देखो यहाँ पे वाई कितना आएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ग्राफ जब आपका एक्स जीरो है। और जब आप एक्स को इनफाइनाइट रख दोगे तो वाई कैसा चला जाएगा, जीरो चला जाएगा, तो ऐसा ग्राफ घटता हुआ नजर आएगा। इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला, राइट। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं आई गेस, राइट। तो खैर नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये दो चीजें अगर आपको क्लियर होगी तो आपके फिजिक्स के अंदर बहुत सारे जो ग्राफ्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार जब ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही डिटेक्ट करना होगा कि क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ग्राफ की जो शक्ल होगी वो ऐसी हो जाएगी। जैसे आपने ये रिलेशन देखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आपसे पूछते हैं कि बताओ फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो इसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये और ज्यादा तेजी से घटती हुई नजर आएगी आपको। स्क्वायर का मतलब इतना है, शेप वैसी की वैसी रहेगी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन देखते हो आप पोटेंशियल ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ये बहुत सारे हैं, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते, तो वहां वहां पर आप इस तरीके का ग्राफ क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और देखो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो कि फिजिक्स के अंदर हमारे अक्सर काम आती रहती है, हमारे फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो बेसिकली इन्हीं शक्लों के अंदर दिखाई देंगे, तो क्यों ना इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ हम वन बाय वन देख लें, ताकि हमारा आगे आने वाला काम जो है वो आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दिस रिलेशन इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। आप x को बढ़ाते हो तो आप बोलते हो कि y क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है, बट मैंने थोड़ा इसके ऊपर है ना चमक धमक लगा दी और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आप इसको कैसे बनाओगे, x को जीरो रखो तो y की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, b नजर आ रही है। देखो x जीरो है और y मेरा ऑटोमेटिकली कितना है, b है।
ऐसे ही जब आप इसका dy बाई dx निकालोगे तो केवल और केवल क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो, a और b सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, राइट। तो आप कह सकते हो कि dy बाई dx का मतलब आपने देखा था स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, यानी कि इस लाइन को जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा उसके लिए tan की वैल्यू जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप डायरेक्टली यहां से एक पॉइंट नोटिस कर सकते हो कि अगर x का कोफिशियंट जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव होगा, यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगी, यानी कि आपका ग्राफ x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। और अगर मैं कह दूं कि बताओ y इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर टाइम्स x प्लस बी होता तो फिर कैसा होता ग्राफ, तो फिर आप पहचान जाते कि इसकी स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ भी कैसा आना चाहिए, डिक्रीजिंग ग्राफ आना स्ट्रेट लाइन चाहिए बट डिक्रीजिंग ग्राफ आना चाहिए। तो मैंने कहा कि बताओ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ कैसा होगा, आप सीधे सीधे बता दोगे कि सर यहाँ पे 3 लेंथ का, मैंने 3 बना दिया, 3 लेंथ का तो इंटरसेप्ट काटेगी और इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। वही मैंने कहा होता कि बताओ y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलते सर ये y होता, ये x होता, स्टिल इंटरसेप्ट कितना होता आपका प्लस 3, और अब की बार आपकी स्लोप जो है वो नेगेटिव होती तो आपका ग्राफ कैसा हो जाता, कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाता। तो पूरा का पूरा खेल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के कोफिशियंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को कैसे रीड करोगे, सबसे पहले एक्स का कोफिशियंट देखोगे, पॉजिटिव हुआ स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ स्लोप नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ इस तरीके से एक्यूट एंगल बनाता हुआ, नेगेटिव हुआ तो ग्राफ इस तरीके से एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाता हुआ, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ। फिर आप देखोगे बी को, अगर B पॉजिटिव हुआ तो इंटरसेप्ट ऊपर लेना है, और B नेगेटिव होता है तो इंटरसेप्ट आपको नीचे लेना होता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को देख के कम इस इक्वेशन को आसानी से ग्राफ में और ग्राफ को इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, राइट। तो पहला काम तो आपका हो गया। दूसरा, ये भी अक्सर आपको दिखाई देगा, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, ठीक है, एक मैथमेटिकल कर्व की शेप है, उसका नाम रखा गया पैराबोला, ठीक है ना। आपको उस पर नहीं जाना, आपको तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि x को बढ़ाने पर y बढ़ तो रहा है, जैसे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देखा था, बट x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो dy by dx इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर यहां पर आप dy by dx निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2kx, 2k तो सम कॉन्स्टेंट है। तो यहां पे आप देखोगे कि यार एक ऐसा ग्राफ हमें बनाना है जो कि बढ़ तो रहा ही है एक्स के साथ साथ, बट उसकी जो स्लोप है वो भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो आप स्लोप भी देखो बढ़ाते जाओगे, यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, आप देख रहे हो एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। अगर ये कॉन्स्टेंट नेगेटिव होता तो आपका ये नंबर नेगेटिव हो जाता, नंबर नेगेटिव होने का मतलब है कि आपकी जो स्लोप है वो मैग्नीट्यूड के अंदर तो इंक्रीज होती है बट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, तो फिर आपका ग्राफ कैसा हो जाता, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा ग्राफ हो जाता, इस तरीके का ग्राफ हो जाता। तो अभी अपन स्पेसिफिक जब ग्राफ देखेंगे तब इसको आसानी से एक और बार रिप्रेजेंट करेंगे, बट आप स्टैंडर्ड चीज ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ देखता हुआ, कॉन्स्टेंट नेगेटिव तो नीचे की तरफ देखता हुआ, इस तरीके से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये y इज इक्वल टू के रूट एक्स, अब की बार x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, x स्क्वायर के नहीं है, रूट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रूट एक्स के केस में क्या हो जाएगा, dy by dx निकाल के देख लो, k तो कांस्टेंट है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है dy by dx आपकी क्या होती चली जानी चाहिए, कम होती चली जानी चाहिए, आपका ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो कि x के बढ़ने के साथ साथ बढ़े तो सही बट जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो क्या होती जानी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो हमें तो क्या करना है, बार बार इन सब चीज़ों के ऊपर दिमाग ना लगाना पड़े, तो हमें इन स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेना है, दिमाग के अंदर डायरेक्टली फीड कर लेना है, स्पीड इंक्रीज होगी, कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कभी भी आपसे शेयर नहीं करता। और देखो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका ग्राफ मैंने बताया था पैराबोला, अब आपको पूरी शक्ल दिखाई देगी,
इसमें बहुत सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, ए के ऊपर। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इसका मुंह जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, आई होप देसी लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर ए नेगेटिव होता तो इसका मुंह जो होता वो नीचे की तरफ हो जाता, कुछ ऐसा ग्राफ आता आपका इस तरीके का, ठीक है। मेरे हाथ से बन गए, इसको इग्नोर कर देना, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता आपका। तो ये पैराबोला जो है इसका मुंह किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर ये इस एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बी सी और ए तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। एक वैल्यू होती है जिसको अपन बोलते हैं डिटरमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपके काम आएगी नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा फटाफट शेयर कर देता हूं। अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, पहले तो अपन लेते हैं इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो आपका ग्राफ ऐसा होता है। मैं मान रहा हूं ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, वो भी पॉजिटिव है, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। याद करो बेसिक मैथ्स के अंदर अपनों ने पढ़ा था, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल हो जाता तो फिर आपका ग्राफ क्या होता, इस तरीके का होता, जस्ट केवल एक्स एक्सिस को क्या करता, टच करता। इसका इसका एक ही रूट होता है, या यूं कह सकते हो इसके दोनों रूट्स क्या हो जाते, रियल होते बट सेम हो जाते। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती तो फिर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजरता। कहने का मतलब है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता। कहने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इसको आप जीरो के इक्वल रख दोगे, कोई रूट्स ही नहीं होते, या फिर यूं कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स होते। तो वो तीन इन्फॉर्मेशन को ग्राफ के ऊपर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कम हालांकि काम आएगा, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी ध्यान रख लो, अगर e की पावर x लेते हो तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसकी पर्टिकुलर शेप ऐसी होती है। जब x इक्वल टू जीरो रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, अगर कोई कांस्टेंट होता तो k आ जाती, राइट। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। अगर e की पावर नेगेटिव होती तो आपका ग्राफ कैसा होता, इसी को उल्टा कर दो, कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाता, ठीक है। ये वाला ग्राफ है, ये किसका है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपके काम आती है, वो है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, इसी को पलट दो 90 डिग्री, ठीक है ना। मतलब एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं मिलेगा, बट मतलब ई की पावर एक्स और लॉग एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स ऑपरेटर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, वही एक्स बढ़ाने पर लॉग एक्स भी बढ़ेगा, बट उसकी शेप जो होगी वो कैसी होगी, कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है ना, स्लोप इंक्रीज हो रही है इसकी। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और फिजिक्स के अंदर इससे ज्यादा आपको कभी भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो और चीजें मैं बता देता हूं जो कि बेसिक मैथ के अंदर बता चुका था, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। जो स्लोप है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, dy by dx, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करती है। जब भी हम किसी क्वांटिटी की किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में रेट निकालेंगे चेंज होने की, याद करो डिफरेंशिएशन का मतलब होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो स्लोप तो रिप्रेजेंट करेगी dy by dx को, डिफरेंशिएशन को, रेट को। और एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन को। आई होप ये दोनों चीजें आपने बेसिक मैथ्स के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली थी। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप अपनी जेब के अंदर रखो, और फिर आपका ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चेक करना चाहते हो अगर अपनी नॉलेज, तो मैं कुछ मोशन के एग्जांपल आपको देता हूं, और वन बाय वन अपन उनके ग्राफ्स जो है वो इंटरप्रीट करते हैं। मैं केवल और केवल मोशन डिस्क्राइब करूंगा, और आप देखना ग्राफ से पहचान जाओगे कि मैं किस तरीके की मोशन की बात कर रहा हूं। मैं ऑब्वियसली आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो, जैसे सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आपका जो पार्टिकल है वो स्टेशनरी है, तो बताओ एक्स यानी कि उसकी पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो स्टेशनरी इसका मतलब है वो अपनी पोजीशन कभी चेंज करेगा ही नहीं, वो जिस भी पोजीशन के ऊपर है उसी पोजीशन पे बैठा रहेगा। देखो बैठा रह रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यानी कि जो भी हम ग्राफ खींच रहे हैं उसका स्लोप जो है वो कैसा आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस से जीरो डिग्री एंगल बना रही है, और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो एक्स और टी के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, जिसको भी आपने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, उसी डायरेक्शन के अंदर
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है स्लोप जो है आपकी बार एक्स और टी की, डी एक्स बाई डी टी, वो क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। आपको तुरंत चमकेगा दिमाग के अंदर कि यार सर ने बताया था कॉन्स्टेंट स्लोप तो किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की, और अपना ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इसकी जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट है। पार्टिकल ऑरिजिन पर था, फिर पार्टिकल धीरे 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 पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव करने लगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल। अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होती तो ग्राफ कैसा होता, कुछ इस तरीके का होता। आपकी बार पार्टिकल किसी जगह पर बैठा है, नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्टिल देयर इज नो एक्सेलरेशन। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है वो वापस से अपने ओरिजिन की तरफ आ रहा है, या अगर नेगेटिव डायरेक्शन में था तो और नेगेटिव जा रहा है। तो मैंने कोई सा भी एक चीज पकड़ लिया, आप तो ध्यान रखना नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब है जो भी आपका ग्राफ होगा, जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ। फिर अब आते हैं, चलो यार स्टेशनरी ले लिया, फिर वेलोसिटी के दो ही केस बन सकते हैं, आइदर पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी भी चेंज करते हैं, तो अब एक्सेलरेशन के साथ में आपके चार केस बनेंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन। चार ही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो देखो आपका पार्टिकल जो है वो कैसे जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो स्लोप है, टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला टेंजेंट का जो एंगल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती चली जा रही है, स्लोप इंक्रीज होती चली जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती, और वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो दिस पर्टिकुलर ग्राफ विल रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे देखो नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जस्ट इसका उल्टा केस कर लो। आपकी बार आपका पार्टिकल वापस से ओरिजिन की तरफ जा रहा है, और आप उसकी स्लोप देखोगे तो नेगेटिव तो है बट बढ़ती चली जा रही है, धीरे धीरे यहां पे आगे देखोगे इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, अगर करोगे तो इनफाइनाइट के लगभग हो जाएगी, बढ़ती बढ़ती। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव हो, मेरे हाथ से पॉजिटिव हो गई थी वो, वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन भी क्या हो, नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। पार्टिकल तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जाना चाह रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन उसको वापस से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकते हो तब ऐसा ही होता है, पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, बट उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। तो होता क्या है, एक पॉइंट पर जाकर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहां पर भी वही कहना चाह रहे हो कि ये वेलोसिटी कम होते 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 एक पॉइंट पर जो आपकी स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये उसका ग्राफ है, और नेगेटिव वेलोसिटी बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा कि आपका पार्टिकल किसी पॉजिटिव पोजिशन के ऊपर है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वो जाना चाहता है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, बट उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फिर वही केस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इन लेटर टाइम आपको एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और अब की बार यहां पर वो होते 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 यहां पर आपको मिलेगा वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, जीरो। तो ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि आपने बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर लिया, अगर आपको ये सारी की सारी बातें पता है तो। तो आई होप ग्राफ के बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टैंडर्ड ग्राफ, और ये जो एक्सरसाइज अपनों ने करी है मोशन को ग्राफ के थ्रू इंटरप्रेट पढ़ने की कोशिश करी है, इसके थ्रू आपको ग्राफ के बारे में एक बहुत डिफरेंट वे के अंदर नॉलेज मिली होगी। आपको मन कर रहा होगा कि यार हम भी थोड़ा सा ग्राफ के साथ खेलें, तो खेलने का मौका मिलेगा आपको अब। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है और फिर उसके बाद में मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट है और उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन, किस किस रीजन के अंदर, चार दे रखे हैं, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी और डी से लेके ई। ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी, ऐसे चार रीजन आपको दे दिए।
तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस किस जगह है आपका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होना चाहिए। एक बार ये स्लाइड देखो, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब आपकी एक्स और टी के बीच की जो ग्राफ है वो कैसी मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आइदर ऐसी और ऐसी मिलेगी स्ट्रेट लाइन। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा यार ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन है और सी से लेके डी तक स्ट्रेट लाइन है, तो एक तो ए बी के अंदर और एक सी डी के अंदर, इन दो रीजन्स के अंदर हमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आपका देखो आंसर कौन सा सही आना चाहिए, ए और सी, कौन से में दिख रहे हैं हम लोगों, सेकंड के अंदर दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हो गया और आपको मजा भी आया होगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप घबरा जाया करते थे, डर जाया करते थे, अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं रही। और आपको ये और एहसास हो गया कि ग्राफ के क्वेश्चन असल में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ी कुछ 10 चीजें जो मैंने बताई वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फिर आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो, टाइम बचेगा, 100% श्योर होगा आपका क्वेश्चन सही है, और फिर आप देखोगे कि आपको ग्राफ ने कितनी हेल्प करी है। आगे देखते हैं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब है शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते चलो, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली बाय 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट होती है, एंड देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर वापस से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती है। विच ऑफ द एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द ग्राफ। अब दो पॉइंट हमें मिले कि एक तो वो रेस्ट से चालू हुई है, इसका मतलब है उसकी शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो, यानी कि शुरुआत में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एक्स टी ग्राफ की वो कितनी होनी चाहिए, जीरो, एक्स टी ग्राफ दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो स्लोप जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इस पॉइंट की जब ऊपर मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो तो एक्स एक्सिस के साथ मुझे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए नजर आएगी, स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर, तो आपका ये ग्राफ कट गया और ये ग्राफ कट गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब लड़ाई आ गई इन दोनों में, इधर भी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल, इधर भी इस पे स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो पहली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने दो ग्राफ काट दिए, ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पे आते हैं, देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब था कि एक्स और टी का जो ग्राफ है वो आपको कैसा मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग सम एंगल विद एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं वेलोसिटी जीरो हो जाया करती थी, पार्टिकल स्टेशनरी हो जाया करता था, तो इसलिए आपका ये ग्राफ कट गया, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में आपका जो पार्टिकल है एक्स टी ग्राफ पैरेलल हो गया, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो बता रहा है, जो कि हम बोल रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, यहाँ पे वो एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बना रही है, आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस तरीके के क्वेश्चन करने में, अब लग रहा होगा यार फिजिक्स जैसा कुछ है ही नहीं, मस्त दिमाग लगाओ आंसर पाओ, स्कीम के तहत हम आसानी से इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड। ध्यान दो, ग्राफ किस किस के बीच में है, पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है, और आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड। अब याद रखो एवरेज वेलोसिटी जो हुआ करती थी वो किसके इक्वल हुआ करती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आई होप सबको पता होगा। तो हमें पूछ रहा है कि भाई साहब 10 सेकंड के अंदर जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो निकाल के बताओ मैं, तो कितनी होगी, चलो हम इसकी बात मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि शुरुआत के अंदर ये x इज इक्वल टू 60 मीटर की पोजीशन पर था, ठीक है, फिर उसके बाद में ये धीरे 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 ओरिजिन की तरफ बढ़ा, 6 सेकंड पे अचानक से इसको फिर से कोई चीज याद आई और ये वापस से अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा, होते होते 10वें सेकंड पर हमने देखा ये कहां पर आ गया, 40 सेकंड पर आ गया, 60 पर था 40 पर आ गया। मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हुई है पूरी की पूरी मोशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिंपली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 40 माइनस 60 करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना, कितना मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट, माइनस
20, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका माइनस 20 मीटर्स, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और टाइम आपने कितना लगाया है 10 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस 2 मीटर पर सेकंड। आई होप ये साइन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ जानी चाहिए 10 सेकंड्स के अंदर, 2 मीटर पर सेकंड आ जानी चाहिए। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन काम में नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल कॉमन सेंस काम में आया है, और कुछ पिछले चैप्टर की इन्फॉर्मेशन काम में है, पिछले वीडियो की, कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, टाइम तो हमें दे ही रखा था, तो वो डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स अलोंग एन ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट, ठीक है, एंड अ ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम इज शोन इन फिगर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई गली है, उसमें उसका ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है। हिज एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम इंटरवल इज, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, तो हम देखेंगे कि शुरुआत में भी ये ओरिजिन के ऊपर था, फिर ये गया 40 तक, फिर उसके बाद में वापस से आ गया ये ओरिजिन के ऊपर, फिर पता नहीं नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, और 19वें सेकंड पे देखोगे तो वापस से कहां पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया, घूम फिर के ओरिजिन से चला था ओरिजिन तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो ही रहा। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आपका आंसर जो है वो कैसा आ जाना चाहिए, ए ऑप्शन जीरो। ध्यान दो, इन क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है, अगर बात की जाती किसकी एवरेज स्पीड की, तो फिर आप टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालते हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो आई होप सबको अंतर पता होगा, डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती और एवर इंक्रीजिंग होती है। जैसे यहां से वो 40 पर गया तो डिस्टेंस हो गई 40 मीटर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ गया, फिर वो 40 मीटर पर ही बैठा रहा 6 से लेकर 9 सेकंड तक, फिर उसके बाद में वो यहां से वापस से आ गया 40 से 0 पर आ गया, तो अगेन 40 मीटर चल लिया, तो 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, फिर यहां से आ गया वापस नेगेटिव 40 तक, ठीक है, तो 80 प्लस 40 120 हो गया। और इस तरीके से आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल सकते थे। ध्यान देना, एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर पूछा जाएगा तो, राइट। देखते हैं, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, देखो एक्सटी ग्राफ नहीं पूछा हुआ, आपने जो प्रैक्टिस करी थी एक्सटी ग्राफ के साथ करी, तो पता चले कोई लोग देखने लग जाए, ऐसा नहीं, वीटी ग्राफ के ऊपर चलते हैं, तो अपन वेलोसिटी को पकड़ते हैं। जब अपन ऊपर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हम जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उससे होते 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 कम वो जीरो हो जाती है, और फिर वापस से बढ़ते 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 उसी वेलोसिटी से आ जाती है जिस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका था। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, ध्यान देना, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अनटिल अनलेस आपको कहा नहीं जाए आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, तो आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर वर्क करने वाला जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डीवी बाय डीटी मतलब एक्सेलरेशन मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने इतना कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई साहब वी और टी के बीच का जो ग्राफ है उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए थ्रू आउट मोशन। तो हम देख रहे हैं कि यहां तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां से लेके यहां तक स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे हमें नेगेटिव नजर आई बट यहां पर कबाड़ा हो गया पॉजिटिव करके, यहां पे हमें पॉजिटिव ही नजर आ रही है स्लोप, इस हिस्से में नेगेटिव आ रही है, बट यहां पे ध्यान रखना स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो स्लोप कॉन्स्टेंट होनी चाहिए और नेगेटिव होनी चाहिए, और वो केवल और केवल किस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है। थ्रू आउट मोशन स्लोप जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, और थ्रू आउट मोशन क्या है, नेगेटिव है। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ये देखो, फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 0 to 4 seconds इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हमें एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने बना दिया। तो हमने देखा
कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। 0 से लेके 2 सेकेंड तक आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो अब इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कैसे दिखाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप ऑफ द कर्व कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। कहां तक? 2 सेकंड्स तक। फिर 2 सेकंड पे अचानक से ग्राफ पलटता है और आपका एक्सेलरेशन हो जाता है नेगेटिव। अमाउंट सेम रहा बट कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट होनी चाहिए बट आपकी बार नेगेटिव होनी चाहिए। कहां से लेके कहां तक? 4 सेकंड तक। तो आपका ग्राफ कैसा हो जाना चाहिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का? कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाना चाहिए। तो ग्राफ का ग्राफ में कन्वर्जन ये आपको पता होना चाहिए। कोई नए फैक्ट नहीं है जो मैंने बताया, उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहां से कहां आ रहे हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर आ रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जा रहे हो, तो इतना ध्यान रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन को। आई होप रेट अपनों ने एक स्टैंडर्ड चीज ध्यान रख रखी है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। इसको देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास। इट कोलाइड्स इलास्टिकली एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। इलास्टिक का मतलब है कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, जितनी हाइट से गिराइए उतनी हाइट तक वापस से आ जाएगी बॉल। एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन इन दिस रिपीटेड देन एंड इफ दिस रिपीटेड देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। वही क्वेश्चन जो अभी अभी अपनों ने करा था। बॉल जब आप गिरा रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं अंटिल अनलेस कहां नहीं जाए, तो हम ये मानेंगे स्टैंडर्ड। तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए था? आपने ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ड्रॉप किया है इसका मतलब है ओके। आई होप इन्होंने जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि यहां पे कोई भी ग्राफ ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर ऐसा हो, तो आप ठीक है ग्राफ से इंटरप्रेट कर लो। तो सबसे पहले आपने देखा, आपने गिराया यहां से बॉल को, ड्रॉप किया, तो बॉल की जो वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा आना चाहिए? इस तरीके का आना चाहिए। फिर अचानक से बॉल टकराती है और टकराने के बाद में ऊपर आने लगती है, और ऊपर आते आते एक पोजिशन ऐसी आती है जब वो वापस से क्या हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पे बॉल टकराई, टकराते ही वेलोसिटी इसकी रिवर्स हो गई, पहले पॉजिटिव थी अबकी बार नेगेटिव हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेगी, फिर उसके बाद में होते 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 जीरो, ठीक है, यहाँ तक आ गई वापस से, फिर गिरना चालू होगी, फिर बढ़ते 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 टकराएगी जमीन से, और ये जो ग्राफ है वो आपको क्या होता हुआ नजर आएगा, रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ध्यान देना, आप ग्राफ को बिल्कुल अपने दिमाग में सिचुएशन इमेजिन करके पढ़ सकते हो। टेक्निकल चीजें मैंने आपको बताई रखी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ द कर्व से रिप्रेजेंट होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के इस क्वेश्चन के साथ खेला गया है, तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। और कोई ग्राफ इससे ज्यादा करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये ग्राफ इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें t = 0 पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बता रही है, मतलब वेलोसिटी, जबकि इसमें कहा गया है कि आपने जस्ट केवल किसी हाइट से क्या करा है, उसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इसलिए गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया वो तो पता पड़ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। इसमें वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव बता रखी है, भाई वेलोसिटी चेंज तो होगी, टकराएगा वापस से ऊपर आएगा, वेलोसिटी चेंज तो होगी किसी भी डायरेक्शन को बोल, ये तो खैर वैसे भी फर्जी ग्राफ है, ठीक है ना। इसको देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी का मतलब होता है dx/dt मतलब स्लोप ऑफ द कर्व, और ये पूछा है कि बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहां पर होगी, जहां पर आपका स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो डी पर तो हो नहीं सकता क्योंकि स्लोप जीरो है, सी पर हो नहीं सकता, स्लोप पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के साथ, एक्यूट एंगल बना रहा है, एफ पर भी नहीं हो सकता, टेंजेंट की स्लोप एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बना रही है। एकमात्र पॉइंट ई ऐसा है जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो एक्स एक्सिस के साथ आपको ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हुए नजर आएगी, यानी कि वहां पर स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पेपर आता है आपके पास में, पेंसिल और पेन होता है, आराम से खूब ड्रॉइंग करो, ठीक है ना, जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचनी है खींचो,
एक्स एक्सिस बनाओ वहां पे, वहीं पैरेलली, ठीक है, एंगल बना के देख लो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता पड़ जाएगा, कोई भी मना नहीं करने वाला आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक, रियलिस्टिक की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। अब ऐसी जो चीजें ना, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक टाइम पर, किसी एक टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सब यूनिक होगी। ऐसा नहीं है एक ही टाइम पर आप वेलोसिटी ग्राफ के अकॉर्डिंग 5 मीटर पर सेकेंड भी बता रहे हो और 10 मीटर पर सेकेंड भी बता रहे हो। जैसे जैसे इस ग्राफ के अंदर देखो, मैंने पूछा बताओ इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, तो ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बता रहा है सर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं, और इसी को यहां पर ले जाओगे तो इसी टाइम पर ये बोल रहा है कि सर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड भी है। अरे भाई साहब, एक टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिक होगी, इसका मतलब है ये ग्राफ करेक्ट नहीं होगा। सेम दिक्कत इसके साथ है, एक ही टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी ये भी है, एक ही टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी ये भी है, या तो पार्टिकल भूत है आपका या फिर रियलिस्टिक है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। यहां पे देखो अगेन, अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम को पकड़ोगे, ठीक है, और ग्राफ अगर थोड़ा सा ढंग से बनाया हो तो ये ग्राफ ऐसा है, इस तरीके का ऐसा, तो वही एक किसी पर्टिकुलर टाइम को पकड़ लोगे आप तो देखोगे यहाँ पे तीन जगह एक ही टाइम पर तीन अलग अलग वेलोसिटीज बताई जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है एक ऐसे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, कई बार डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ दे देते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, दो बातें बताई हुई मैंने कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जैसे मैंने बोल दिया होता कि ये ग्राफ है, इधर आपका डिस्टेंस है और इधर आपका टाइम है, और मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना देता, इस तरीके का ग्राफ बना देता, तो ये जो पोर्शन है यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी डिस्टेंस नेगेटिव है, जो कि कभी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकती। मैंने बताया ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है, और ग्राफ मैंने बना दिया कुछ ऐसा, तो यहां पे देखो कि यहां से लेके यहां तक तो फिर भी डिस्टेंस आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, लेकिन यहां पर उल्टा ही काम चल रहा है। ये ग्राफ कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस आपकी वापस से क्या हो रही है, घट रही है, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। तो इन दो बातों के ऊपर कई बार अच्छे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इज 5 मीटर पर सेकेंड विच वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। तो अपनों को बेसिकली एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है ना। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, अब ध्यान दो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हमें दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि बताओ इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी इस मोशन के दौरान। तो इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो टी इज इक्वल टू जीरो पर सबसे ज्यादा है 5 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद में एक्सेलरेशन घट रहा है। ध्यान दो एक्सेलरेशन घट रहा है बट स्टिल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक गाड़ी है, खिलौने वाली गाड़ी समझो, जिसके ऊपर मैं धक्का लगा रहा हूं। अब जैसे मैं शुरुआत में 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, फिर 80 का लगा रहा हूं, फिर और थक गया 60 का लगा रहा हूं, और ज्यादा थक गया 50 का लगा रहा हूं, बट मैं धक्का लगा रहा हूं और जब तक मैं धक्का लगाता रहूंगा तब तक गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहेगी। और अगर ऐसा होगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड हमें कहां पर मिलेगी, 6 सेकेंड्स पर मिलेगी। ये बात हमें पता चल गई। उसके बाद में अपन चलते हैं कि यार एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी या स्पीड के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन निकाले, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो हमने बोला था कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है तो एक्सेलरेशन निकलता है डीवी बाय डीटी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका उल्टा करो, जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा तो वेलोसिटी निकलेगी एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व, राइट। तो हम बोलेंगे कि दिस वेलोसिटी राइट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, एंड t इज इक्वल टू जीरो से लेके, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, t इज इक्वल टू जीरो से लेके कहां तक जा रहे हैं अपन, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स तक जा रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर भी होता है,
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, तो इनिशियली तो हमें कह ही दिया गया है कि पार्टिकल कहां पर था, रेस्ट पर था, तो वी आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, जीरो हो गई। तो केवल और केवल वी फाइनल मतलब 6 सेकंड पर जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी एट 6 सेकंड। आई होप सब समझ जाओगे राइट। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब क्या होता है ग्राफ के अंदर, एरिया अंडर द कर्व। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। अरे भाई साहब इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हाइट हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। तो ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से 6 चला गया, 3 टाइम्स और 5 × 3 करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ प्लस थोड़ी बहुत आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि आपने पिछली क्लासेस में ली है उसको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं अपन अगला, ठीक है। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकंड फॉर सम टाइम एंड देन इट रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। If it remains in motion for total of 3 seconds, then the maximum speed attained by the car is. तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्म आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपन करते हैं पहले और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक कार है, यहाँ पर टाइम ले लिया, यहाँ पर वेलोसिटी ले ली, सबसे पहले वो एक्सेलरेट होती है कॉन्स्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कॉन्स्टेंट रेट होगी, तो वेलोसिटी और टाइम के अंदर कांस्टेंट रेट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ द टेन, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेट हो रहा है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता है कहां तक हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता कि किस इंस्टेंट तक हो रहा है, तो ये टी इंस्टेंट तक मान लिया उन्होंने। फिर उसके बाद में यहां पर वेलोसिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई और फिर उसके बाद में क्या हुआ, वापस ये रिटार्ड होना चालू हुई और रिटार्ड होते 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 अब की बार अलग रेट से रिटार्ड हो रही है। यहां पर अगर अल्फा थी एक्सेलरेट होने की रेट, तो यहां पे ये किस रेट से रिटार्ड हो रही है, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बीटा रेट से आपको रिटार्ड होती हुई नजर आ रही है। ये जो टाइम है ये आपको दे रखा है, इसको अपन मान लेते हैं टी वन, और ये टोटल टाइम आपको दे रखा है टी, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर 3 सेकंड दे रखा है। इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अल्फा बीटा और टी की वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलो तो सबसे पहले तो कहा गया है कि ये एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है इसका मतलब है कि यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, रेस्ट से स्टार्ट करी थी और यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी वो जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव अल्फा और टाइम जो है वो हमने मान लिया कितना टी वन। तो इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी का मतलब v मैक्स, u का मतलब जीरो, a का मतलब अल्फा टाइम्स टी वन। तो अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए v मैक्स डिवाइडेड बाय टी वन, या फिर टी वन की वैल्यू हमारे ज्यादा काम आएगी वो आ जानी चाहिए v मैक्स डिवाइडेड बाय अल्फा। पहली चीज तो ये हो, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, इसकी बात करते हैं। इसके लिए अगर अपन देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v max, यहां के यहां से शुरुआत हो रही थी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v max, फिर उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी कितनी है जीरो, अब की बार जो एक्सेलरेशन वो है नेगेटिव बीटा, ठीक है, रिटार्ड हो रही है, और टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम माइनस टी वन। तो इक्वेशन लगेगी वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब की बार v का मतलब जीरो, u का मतलब v मैक्स, a का मतलब माइनस बीटा और टाइम का मतलब हो जाएगा t माइनस टी वन। तो क्या हम टी वन की जगह v मैक्स अपॉन अल्फा रख सकते हैं, आप बोलोगे रख सकते हैं, तो हो जाएगा बीटा टाइम्स टी माइनस टी वन की जगह रख सकते हैं अपन वी मैक्स अपॉन एल्फा
इसको इधर लिखे आ गया टी वन की जगह वीमैक्स अपॉन एल्फा रख दिया, इधर रह गया आपका वीमैक्स, ठीक है। तो अब हम उस जगह पर आ गए जहां पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी और एल्फा बीटा और टी हमें दिए हुए थे। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे, इसको लिखेंगे बीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, इसको लिखेंगे माइनस बीटा अपॉन एल्फा मल्टीप्लाइड बाय वीमैक्स, और ये यहां पर अकेला रह जाएगा वीमैक्स, इसको उधर ले जाएंगे तो बीटा मल्टीप्लाइड बाय टी वीमैक्स आ जाएगा कॉमन, केवल और केवल बचेगा वन प्लस बीटा अपॉन एल्फा। तो इसको लिख सकते हैं वी मैक्स टाइम्स, टाइम्स को मैं इक्वल क्यों लिख रहा हूं, टाइम्स एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा, यानी कि वी मैक्स जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, एल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स टी डिवाइडेड बाय एल्फा प्लस बीटा के इक्वल आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से वर्ड्स की फॉर्म में आ जाता है और कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से ग्राफ की फॉर्म में आ जाता है, और आपको दोनों ही तरीके से इसको इंटरप्रीट करना चाहिए, राइट। इसलिए मैंने ग्राफ के जरिए इसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर एल्फा का मतलब है 2, बीटा का मतलब है 4, टाइम का मतलब है 3, एंड 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर कोई हमें पूछता, वैसे इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग हटते हैं, अगर कोई हमें पूछता कि बताओ इस मोशन के दौरान इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी, तो एवरेज वेलोसिटी ध्यान देना, ये चल रहा है फिर मैक्सिमम स्पीड अचीव कर रहा है, फिर रिटार्ड हो रहा है बट चल पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है अभी भी, राइट, और फिर जाके क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो अपन निकाल लें और अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना होगा, आपने अभी अभी वी मैक्स निकाला था तो ये हाइट तो किसके इक्वल हो जाएगी, वी मैक्स के इक्वल हो जाएगी, और ये जो बेस है इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके, जो वी मैक्स आपने निकाला है और जो टी आपके पास है, इन दोनों को यूज करके इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर कोई पूछे तो, राइट, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस का मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, तो वो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस हो जाएगा टी और हाइट हो जाएगी वी मैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो चला जाएगा टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय टू दैट इज एल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एल्फा प्लस बीटा, कुछ इस तरीके से अपन एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मली ग्राफ के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया जाता है तो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैंने इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करी है, राइट। खैर तो बच्चों ये आज का जो वीडियो था ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड था ग्राफ को, ग्राफ के बारे में शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है उसको आपको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना है, धीरे धीरे धीरे, एक बार देखो दो बार देखो क्वेश्चंस, आई होप आपको सबको करने में मजा आया होगा और आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मोस्ट वांटेड सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।